आज ऐसे ही है जैसे मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। यहाँ पे जिंदल स्ट्रिप्स में पिताजी काम किया करते थे, जिंदल कॉलोनी में हम लोग रहते थे। कैंपस स्कूल से पढ़ा मैं, फिर डीएन कॉलेज गया। पढ़ने में बड़ा होशियार था मैं, डीएन कॉलेज में 2 साल था, 11वीं 12वीं दोनों साल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 6ठी पोजीशन आई थी पूरे हरियाणा में। फिर आईआईटी में हो गया, तो आईआईटी खड़गपुर चला गया, और उसके बाद फिर आईआरएस में हो गया, टाटा स्टील आईआरएस दिल्ली चला गया। तो एक तरह से वापस अपने घर आने जैसा लग रहा है। मेरे साथ आज जो लोग दिल्ली से आए थे उनको मैं बता रहा था, ये नागौरी गेट है, यहाँ पे राजगुरु मार्केट है, यहाँ पे ये रास्ता सिवानी जाता है, ये यहाँ इस स्कूल में मैं पढ़ा करता था, इस स्कूल में मेरे बहन भाई पढ़ा करते थे, उनको सबको मैं बता रहा था। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हाथ जोड़ के शुक्रिया करना चाहता हूँ। 1 घंटे के नोटिस पे आप सब लोग, पूरे शहर के, मेरे को बताया कि सारे मुअज्ज़ज़ लोग, सारे एमिनेंट लोग आज यहाँ शहर के मौजूद हैं, और एक एक व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है उसके पीछे कम से कम 5-5, 10-10 हज़ार वोट हैं। इतने कम समय में आप, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग इकट्ठे हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ बातचीत करते हुए, आपके बीच में आज आके। हिसार से निकलने के बाद मैं दिल्ली गया, और मैं कहना चाहता हूँ हिसार का और हरियाणा का नाम रोशन किया है, आपका सीना चौड़ा करके आ रहा है आपका बेटा। आपका सिर झुकने नहीं दिया मैंने, देश में भी और दुनिया में भी हिसार का और हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। दिल्ली में भी सरकार बनाई, पंजाब में भी सरकार बनाई। ना तो मेरे पिताजी नेता, ना मेरे दादाजी नेता, ना मेरा कोई चाचा ताऊ नेता, ना मेरा कोई मामा नेता, ना हमारे घर में मैं कोई नेताओं की परिवार से या पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आता। हम चंद लोगों ने मिलके एक पार्टी बनाई, और मैं तो ये कहूँगा ऊपर वाले की कुछ कृपा होगी, पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे। पार्टी बनाते ही, जब हमने दिल्ली में पार्टी बनाई थी अन्ना आंदोलन के बाद, मेरे को याद है ये मीडिया वाले सारे मेरा मजाक उड़ाया करते थे, इनकी सबकी जमानत जब्त होगी, केजरीवाल की शायद जमानत बच जाए। वो ये नहीं कहते थे केजरीवाल जीतेगा, केजरीवाल की शायद जमानत बच जाए, बाकी सबकी जमानत जब्त होगी। 2012 में पार्टी बनाई, 26 नवंबर 2012 को, और 1 साल के बाद 8 दिसंबर 2013 को जब नतीजे आए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई थी। जिंदाबाद, जिंदाबाद।